सोनू और मोनू बहुत अच्छे दोस्त थे। शाम के वक्त वे दोनों साथ साथ गेंद से खेला करते थे। एक दिन सोनू ने मोनू से कहा, चलो दोस्त आज नदी किनारे चलते हैं, बहुत दिन हुए वहाँ जाकर नहीं खेला। मगर वहाँ जाएंगे तो हमारी गेंद पानी में गिर सकती है। कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। ठीक है। दोनों नदी किनारे जाकर खेलने लगते हैं। अब उन्हें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। सोनू कल से रोज यहाँ आएंगे, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोस्त ने तय किया कि अब वो रोज यहीं आकर खेलेंगे। कुछ दिन तक सोनू मोनू वहीं जाकर रोज खेलने लगे। पानी में एक जादुई मेंढक रहता था जो उन्हें हमेशा देखकर खुश हुआ करता था। काश मैं भी इनके साथ खेल सकता, बड़ी ही मजेदार गेंद है, मगर मैं इनके साथ कैसे खेलूं? एक दिन सोनू खेलते समय मोनू से कहने लगा, ध्यान से दोस्त, कहीं गेंद को पानी में मत फेंक देना, हमारे पास और गेंद नहीं है। अचानक कुछ देर बाद मोनू से गेंद पानी में जा गिरी। अरे तुमने ये क्या किया, अब हम क्या करेंगे? अचानक मेंढक को मौका मिला। मेंढक ने गेंद को सोनू मोनू को वापस लौटा दिया। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे दोस्त देखो हमारी गेंद वापस आ गई, दोबारा फेंक कर देखूं। नहीं नहीं अगर फिर ना लौटी तो? कुछ नहीं होगा। सोनू ने दोबारा गेंद को पानी में फेंका। फेंकते ही वापस मेंढक ने गेंद को बाहर कर दिया। अरे ये देखो हमारी गेंद फिर से वापस आ गई, कौन है पानी में, कौन है जो हमारी गेंद वापस कर रहा है? मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं हूँ जादुई मेंढक, मुझ में बहुत सी शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या सच में? तुम तो बड़े मजेदार हो, आज से हमारे साथ खेला करो। तुमने हमारी सबसे अच्छी गेंद हमें लौटाई है, आज से तुम भी हमारे दोस्त हो। जरूर। जादुई मेंढक सोनू मोनू का दोस्त बन चुका था। अब जब भी उन्हें खेलना होता वे नदी किनारे ही आते।